हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ओके, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में एक्सप्लेन करके सेंड किया था, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपकी स्क्रीन पर है। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे देखिए, आपको जो ये नंबर्स दिए, इंटीजर्स दिए गए हैं, इसे हम जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। और किसी भी इंटीजर्स जो निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो अगर नंबर देते हैं और उन्हें सीक्वेंस में अरेंज करना है, जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग बनाना है, तो पहले हमें यह समझना है कि कौन स्मॉलर नंबर में है, कौन ग्रेटर नंबर में। तो हमेशा जो लेफ्ट साइड के नंबर होते हैं वो स्मॉलर होते हैं अपने राइट वाले साइड से, ठीक है ना। तो ये नंबर लाइन पे जब आप राइट करते हो तो इसी तरीके देखते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे बीच में जीरो होता है। लेफ्ट हैंड साइड में हम निगेटिव में दिखाते हैं -1, -2, -3, ठीक है ना। और राइट हैंड साइड में हम पॉजिटिव दिखाते हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस नंबर को हमें सीक्वेंस में लगाना है तो हम इस तरीके लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलर पहले, यानी जो सबसे छोटा होगा वो पहले होगा। अब सबसे छोटा कौन होगा, देखिए जब नंबर लाइन पे नंबर बनाते हैं हम माइनस, पहले माइनस को लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि असेंडिंग में माइनस सबसे छोटा चलेगा आपका। और इसमें प्लस भी में ही है, माइनस में भी है और जीरो भी है। तो हम पहले माइनस की तरफ देखते हैं। तो देखिए -1, -2 इस तरीके आपका चलेगा, ठीक है ना। तो सबसे जो दूर होगा जीरो से वो -10 होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा -10, क्योंकि यही सबसे छोटा है। फिर उसके पास जीरो के पास में -8 है, तो चलिए ठीक है, ये -8 हो गया। फिर आपका क्या आया, जीरो। फिर आपका, अब आप पॉजिटिव में आ जाइए, आपका आएगा 6। 6 से ग्रेटर कौन होगा, 8। 8 से ग्रेटर कौन होगा, आपका 11। इस तरीके ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा। ओके, तो अब आप इसका अगर सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसके सॉल्यूशन पर अगर आते हैं तो इसका सॉल्यूशन हम आपकी स्क्रीन पर ला देते हैं। ये देखिए, -10, फिर -8, 0, 6, 8 एंड 11। ओके, इस तरीके -8, 8 दो जहाँ पे था वहाँ पे अगर मैंने एक जगह मिस किया तो वहाँ पे 8 बना सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर से आप एक बार वहाँ पे क्वेश्चन चल के देख लेते हैं जहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन था। ये देखिए यहाँ पर है ना, आपका पहले क्या होगा, -10, -8, 0, 6, 8 एंड 11। ये असेंडिंग ऑर्डर, ऐसे आपको बी सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेंगे, सी। सी में देखिए, -18, -7, -5, -10, -10, 12, -21। तो इसमें जो सबसे स्मॉलर नंबर होगा वो हमारा -21 होगा। ओके, क्योंकि ये जीरो से सबसे दूर है, तो -21। फिर उसके बाद हमारा आएगा -18, फिर आएगा -10 के बाद आएगा आपका 5 के बाद आएगा आपका 7 और 7 के बाद आएगा 12। काउंटिंग कर लीजिए कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, इस तरीके आप असेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे। और इसी प्रोसेस में भी आपका चलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटर टू स्मॉलर, ठीक है ना। यानी आप पहले आप ग्रेटर, फिर उससे स्मॉलर, उससे स्मॉलर, इस तरीके चलेंगे, ठीक है ना, ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ। -18, 7, 5, -10, 12, -28, ठीक है। इसको देखिए अरेंज करना हमने आपको बता दिया। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ लेकर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो इसमें जो हमें अरेंज करना है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। जैसे आपका -10, -15, 7, 3, -9, 4। तो हम जब इसको अरेंज करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपका ग्रेटर नंबर होता है, फिर स्मॉलर, फिर उसके बाद स्मॉलर, ठीक है ना। इस तरीके आप चलते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये सभी नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इसमें सबसे ग्रेटर, देखिए जो निगेटिव नंबर होते हैं वो सबसे स्मॉलर में आते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव से स्मॉलर होते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, क्योंकि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है।
डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे ग्रेटर नंबर पहले चाहिए, तो पॉजिटिव ही ग्रेटर होगा। तो इसमें देखिए पॉजिटिव 7 है, 3 है, 4 है, तो सबसे ग्रेटर कौन है? 7 है, तो पहले 7 आया कॉमा। दूसरे नंबर पर 4 है, 4 आया, फिर 3 आया, फिर उसके बाद अब इसमें निगेटिव -10 है, -15, -9, तो निगेटिव में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे दोनों निगेटिव से बड़ा हो जाएगा। तो -9 यहाँ पे, ये पहले जीरो के पास में ये इसलिए ये ग्रेटर होगा, फिर -10 आएगा और सबसे स्मॉलर होगा -15। इस तरीके हम सीक्वेंस में बना सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके आपका बी होगा, सी होगा और डी भी होगा। देखिए बी का भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, -19, -27, 0, 22, -25, 15। तो अगर हम इसको बनाएंगे यहाँ पे तो इस तरीके बनाते हैं, देखिए -19, -27, 0, 22। तो सबसे पहले हम इसमें क्या बनाएंगे, 22, क्योंकि 22 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव ग्रेटर होता और सभी पॉजिटिव नंबर में 22 ग्रेटर है, 22। फिर 22 के बाद हमारा आ रहा है 15, ओके। 15 के बाद आएगा हमारा 0, 0 सभी निगेटिव से ग्रेटर होता है। 0 के बाद अब देखिए 0 के पास में कौन सा होगा, -19 है, -27, -21, तो -19 ये ग्रेटर होगा, फिर इससे आपका स्मॉलर होगा -21, फिर -27, ओके। इस तरीके सी डी आप खुद से सॉल्व करिएगा। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशन भी, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर इस समय डिसेंडिंग ऑर्डर का सॉल्यूशन है, देख रहे हैं ना, 7, 4, 3, -9, -10, -15। ऐसे बी का सॉल्यूशन है डिसेंडिंग ऑर्डर 22, 15, 0, -19, -21, -27, ओके। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपका चलेगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, द फॉलोइंग टेबल शोज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इन डिग्री सेल्सियस इन वेरियस मंथ्स। अब यहाँ पे आपको टेबल में दिया है मंथ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और नीचे दिया टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। नवंबर 1 डिग्री सेल्सियस है, यानी नवंबर मंथ में जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस, दिसंबर मंथ में -1 डिग्री सेल्सियस, जनवरी में -2 डिग्री सेल्सियस, फरवरी में 0, मार्च में 3। अब आपसे दो क्वेश्चन इसमें पुटअप कर रहा है, रिप्रेजेंट द अबव टेम्परेचर ऑन द नंबर लाइन, यानी आपको नंबर लाइन में जो अबव टेम्परेचर दिए गए हैं वो रिप्रेजेंट करना है, ओके। बी क्वेश्चन में आपसे कहता है नेम द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट मंथ फ्रॉम द अबव डाटा। देखिए हॉटेस्ट जो पॉजिटिव में है और जो सबसे ग्रेटर है वो सबसे हॉट होगा, ठीक है ना, हॉटेस्ट मंथ में आएगा, और जो सबसे कम होगा वो निगेटिव की तरफ दिखाता है, ठीक है ना। तो कोल्डेस्ट में हमारा जो निगेटिव में जो सबसे लेस होगा, ठीक है, वो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट द अबव टेम्परेचर, पहले हम आपको नंबर लाइन दिखाते हैं कैसे आप बनाएंगे। देखिए नंबर लाइन जब भी आप बनाते हो, एक मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे बनाएंगे। एक स्केल से लाइन ड्रॉ करिएगा, स्ट्रेट लाइन, बिटवीन में 0, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में 1 सेंटीमीटर के गैप पे -1, फिर 1 सेंटीमीटर के गैप में -2, ओके, इस तरीके। अब राइट हैंड साइड में 1 सेंटीमीटर पे 1, 2 सेंटीमीटर पे 2, 3 सेंटीमीटर पे, इस तरीके नंबर लाइन आप दिखाओगे, ठीक है ना। तो अब आप इसका सॉल्यूशन आप यहाँ देखिए, सॉल्यूशन आप देखिए, ये नंबर लाइन बना हुआ नीचे, देख रहे ना, आपका एक स्केल से लाइन ड्रॉ है 1 सेंटीमीटर पे, इस तरीके 1, 2 डिजिट बना, बिटवीन में आप 0 करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। फिर आपका जो जनवरी मंथ दिया था, ठीक है ना, आपका जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आप देखोगे नवंबर मंथ में कह रहा है 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 के ऊपर एरो लगा के नवंबर मंथ शो कर दीजिए, यानी कि जो 1 है 1 डिग्री सेल्सियस वो नवंबर मंथ को शो कर रहा है, ठीक है, या नवंबर मंथ में 1 डिग्री सेल्सियस। फिर इसी तरीके दिसंबर मंथ में -1 है, देखिए, फिर जनवरी मंथ में -2, एरो लगा के ऊपर जनवरी लिख दीजिए, फरवरी मंथ में आपका 0, अब मार्च में 3 डिग्री सेल्सियस, ओके। बी में कहा था क्या आप बताएंगे कि सबसे हॉटेस्ट मंथ कौन सा है, कोल्डेस्ट,
ठीक है ना। तो हॉटेस्ट में हमारा मार्च मंथ है क्योंकि उसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस था, और कोल्डेस्ट मंथ में हमारा क्या है, जनवरी, उसमें -2 डिग्री सेल्सियस, सबसे ठंडा हमारा जनवरी मंथ था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपका एक्सरसाइज 1.1 इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा और इसे अपने फेयर नोटबुक पर सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।